पश्चिम बंगाल के मालदा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हो गया, जिसमें एक कोच के दरवाजे का शीशा टूट गया, जिसके बाद ट्रेन को स्टेशन पर रोककर जांच की गई। बताया गया कि ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आ रही थी, तभी किसी ने ट्रेन पर पत्थर चला दिए। पत्थर लगने से C-13 कोच के दरवाजे का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो दिखा कि दरवाजे का शीशा चकनाचूर हो चुका है। इस दौरान कुछ यात्री अपने मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आए, तो वहीं रेलवे पुलिस के जवान ट्रेन का मुआयना करते दिखे। 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन हावड़ा से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पथराव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और NIA जांच की मांग कर दी। फिलहाल GRP ट्रेन पर पथराव की इस घटना की जांच कर रही है और यात्रियों से भी जानकारी जुटा रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नकली बम लेकर गहनों की दुकान पर धमकाने पहुंचे एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि लड़के ने दुकान को खाली न करने पर उसे उड़ाने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का दुकान के अंदर सिलेंडर के साथ घुसता नजर आया। इसके बाद वो दुकान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। वो सिलेंडर था उसका, कोई बोलता है कि वो मैं बटन दबाऊंगा तो उड़ जाएंगे सब। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इसके बाद उसके परिजन भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि जो सिलेंडर लेकर लड़का दुकान में घुसा वो खाली था। जानकारी के मुताबिक लड़के के परिवार का इसी दुकान को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा है। BSF ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। BSF के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसमें 1 किलो हेरोइन मिली। बताया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 2 किलोमीटर तक घुसाया था। सर्च के दौरान BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसे मार गिराया। एक सौ आठवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जाएगी। शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग के शीर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। चीन में भारतीय मेडिकल छात्र अब्दुल शेख की मौत हो गई। तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, जिसके बाद उनको ICU में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार ने विदेश मंत्रालय से उनका शव भारत लाने में मदद की गुहार लगाई। अब्दुल शेख ने चीन की CCR मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी। 11 दिसंबर को ही वो तमिलनाडु से इंटर्नशिप पूरी करने के लिए चीन गए थे। चाकू से हुए हमले में न्यूयॉर्क पुलिस के 3 अधिकारी घायल हो गए। हमला टाइम्स स्क्वायर के बाहर नए साल के जश्न के मौके पर हुआ था, जहां 19 साल के हमलावर ने एक के बाद एक 3 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से वार किया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के बाहर नए साल से ठीक पहले शनिवार रात करीब 10 बजे यह हमला हुआ था। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी गोली लगने से घायल हो गया। न्यूयॉर्क पुलिस आतंकी हमले के एंगल से भी घटना की जांच कर रही है। दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था IMF ने संकेत दिए कि अमेरिका और चीन में मंदी आने वाली है। IMF प्रमुख ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि आर्थिक लिहाज से 2023 कठिन रहने वाला है, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था IMF की प्रमुख ने बयान दिया कि नया साल 2022 की तुलना में कठिन होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन की आर्थिक हालत खराब हो रही है। IMF प्रमुख ने यूक्रेन जंग, बढ़ती महंगाई दर और कोरोना को इसकी सबसे बड़ी वजह माना और दुनिया को आने वाली मंदी के लिए तैयार रहने को कहा।